सो फाइनली फ्रेंड, हमारे Redmi Note 12 Pro 5G डिवाइस के लिए या फिर Redmi Note 12 Pro Plus 5G डिवाइस के लिए कल MIUI 14.0.5.0 का अपडेट जो रिलीज हो चुका था। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे कि ये जो अपडेट करने के बाद बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलेगा। ये जो अपडेट है अभी बीटा के अंदर ही आया है, पब्लिक रोलिंग आउट स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा और अपडेट करने की ट्राई मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, डिवाइस को मैंने जो है 100% चार्ज कर लिया, लेटेस्ट वर्जन हमारे डिवाइस के अंदर रन कर रहा है MIUI 14.0.5.0 का, और ये टेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। पूरा दिन एक दिन भाई आराम से लग जाता है आपके पास, अच्छा या 7 मिनट का वीडियो पहुँचता है, तो आप लोग यार थोड़ा सहयोग कीजिए करो और वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। यदि आप इस डिवाइस के यूज़र हो, इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ भी जानो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये मेरे पास पोको M6 Pro 5G डिवाइस, 4G डिवाइस है, सॉरी फ्रेंड, पोको M4 Pro 4G डिवाइस, 4G डिवाइस है। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर एक नया इश्यू आ रहा है, अभी इसको भी MIUI 14.0.5.0 का अपडेट मिला है जिसमें एप्लीकेशन क्या है, क्रैश हो रही है। तो अभी मैं इसके अंदर देखिए स्टॉप वॉच है, इसके अंदर टाइमर रन करा देता हूँ, इसके अंदर एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, आगे और मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप इस डिवाइस की जरूरत, कल आपने इसका हमारा बैटरी रहने वाला फुल रिव्यू देखा होगा, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की थी, ये फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की और इंस्टॉल करती है ये उसका है। सो मैं इसके अंदर ये 2 घंटे के आसपास जो है वीडियो वॉचिंग करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कितना हमारा बैटरी बैकअप बचा हुआ है। 2 घंटे 17 मिनट हो चुके हैं और अभी देखिए एप्लीकेशन इसके अंदर जो है क्रैश करी है, पोको M4 Pro 4G डिवाइस के अंदर वापस से जो एप्लीकेशन क्रैश कर रही है देखिए। तो ये एक नए इश्यू, यदि आप इस डिवाइस की यूज़र हो तो आप ये भी देख लेना। ये है रेडमी वाले नोट 12 प्रो के अंदर नहीं है भाई, पोको M4 Pro 4G डिवाइस के अंदर है, जिसका रिव्यू आपने कल देखा था। सो आपने टाइम तो देख लिया होगा, 2 मिनट और 17 सेकंड जो हो चुके हैं हमें रन कराते हुए, तो टाइम तो चल रहा है प्रॉपर, लेकिन हो क्या रहा है कि भाई इसके अंदर क्रैश हो रहा है। सो हमने 2 घंटा और 17 मिनट के आसपास इसके अंदर वीडियो प्लेबैक किया और वीडियो प्लेबैक के अंदर देखते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो कितनी ड्रेन यहाँ पर हो पाई है। तो 71% हमारे डिवाइस की जो है बैटरी बची हुई है, यानी 29% हमारे डिवाइस की बैटरी ड्रेन हुई है 2 घंटे और 71 मिनट के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर CPU थ्रॉटल या फिर कोई हेवी एप्लीकेशन रन कराता हूँ। तो सबसे पहले हम 1 घंटे इसके अंदर CPU थ्रॉटल रन कराकर देखते हैं कि अब ये बैटरी कितनी कंज्यूम करता है। तो 2 घंटे 18 मिनट हो चुके, टाइम आपने देख लिया होगा, इतना ही दिखा रही है क्योंकि एप्लीकेशन चल तो रही है बैकग्राउंड में, लेकिन क्रैश हो रही है। मैं देखता हूँ इसका कोई सोल्यूशन होता है तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, यदि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो। सो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है अभी हमारे टाइम भी 1:27 हो चुके, 11:09 के आसपास हमने शुरू किया था। अब हम इसके अंदर जो है CPU थ्रॉटल एप्लीकेशन 1 घंटे तक रन कराते हैं और देखते हैं कि ये कितनी बैटरी कंज्यूम करता है, और जब तक ये स्विच ऑफ होने के कगार पर नहीं आएगा तब तक हम इसके अंदर जो टेस्ट करते रहेंगे। ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट करना यार, अमेज़न वाले लोकल माइक चेप रहे हैं बार बार मुझे। सो यहाँ पर जो है CPU थ्रॉटल हमारा कंप्लीट होने वाला है। सो फाइनली हमारा CPU थ्रॉटल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना। तो 3 घंटे और 20 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका है हमारे डिवाइस को, देखिए 3 घंटे 20 मिनट हो चुके, एप्लीकेशन तो बार बार क्रैश कर रही है लेकिन 3 घंटे 20 मिनट का टाइम जब वो एक्यूरेट हमें दिखा रही है। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इस वजह से क्या एक साथ में वॉइस ओवर इतनी अच्छी नहीं होती है, वॉइस आती नहीं इतनी अच्छी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तब तो है आपको तब थोड़ा सा ना इसके अंदर ये इशू हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो है ये टाइम भाई ये बोल रहा लगातार ही और टाइम हो रहा है मतलब कि जल्दी जल्दी, तो ऐसा नहीं है। तो टाइम तो पहले हो चुका है लेकिन वॉइस ओवर अब हो रही है भाई, तकरीबन 7 बजे के आसपास मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 48% हमारे डिवाइस के अंदर बैटरी बची हुई, यानी कि ये जो 1 घंटा था इसके अंदर बैटरी डिवाइस ने बहुत ही ज़्यादा जो है कंज्यूम किया, यानी कि 20 और 23-24% बैटरी जो इसने कंज्यूम किया, यानी कि जो CPU थ्रॉटल हमने किया इसके अंदर हमारे डिवाइस ने ज़्यादा बैटरी कंज्यूम की है, 70% थी और अभी 48% बैटरी हमारी जो है आ चुकी है। तो बैटरी भाई इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हुई है, लेकिन थ्रॉटल वगैरह नहीं कर रहा है, वैसे भी सर्दियाँ चल रही है तो इस वजह से भी, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 85% के आसपास मैक्स परफॉर्मेंस जो है इस डिवाइस से निकल कर आ रही है। अब मैं इसके अंदर CPU थ्रॉटल है नॉर्मल यूजेज और नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह रन कराता हूँ और अंततः बेंचमार्क में इसके अंदर रन कराता हूँ और देखते हैं हमारा डिवाइस कितनी बैटरी कंज्यूम करता है, लास्ट स्विच ऑफ होने के कगार पे हमारा डिवाइस कब आ पाता है। अब मैं इसके अंदर नॉर्मल यूजेज वगैरह करता हूँ तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बैटरी बैकअप आई थिंक लग रहा है कि भाई कम देखने वाला है। यदि आपने ये अपडेट नहीं किया या करने वाले हो तो आप लोग ये देख लेना कि भाई थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको इस अपडेट के अंदर कम देखने मिल रहा है। बाकी इसका फुल रिव्यू आएगा कल, इसके फीचर का रिव्यू आ जाएगा, क्योंकि इस अपडेट के अंदर फीचर नहीं है लेकिन इससे पहले कुछ एप्लीकेशन के अपडेट है उनके थ्रू इस डिवाइस के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, तो उसको आप देखना मत भूलना कल के वीडियो को। अभी हमने इसके अंदर अंततः बेंचमार्क की एप्लीकेशन डाली, रन करा लिया, अभी मैं आपको टाइमर दिखा देता हूँ कि हमारे डिवाइस ने कितना टाइम हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, 5 घंटे 8 मिनट का टाइम हो चुका है हमारे डिवाइस को, पिछले अपडेट का भी मैं रिव्यू देता हूँ, 5 घंटे 30
30 या 40 मिनट के आसपास हमारा डिवाइस जो है बैटरी बैकअप दे रहा था, लेकिन इस वाले अपडेट में हम ट्राई करते हैं कि भाई कितना बैटरी बैकअप दे रहा है। तो ऑलरेडी हमें 5 घंटे और 9 मिनट्स का टाइम हो चुका है और अब हम देखते हैं हमारे डिवाइस के अंदर जो पावर कितना बचा हुआ है। हमने 100% से शुरू किया था और अब देखते हैं हमारे डिवाइस के अंदर कितनी बैटरी जो बची हुई है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2% हमारे डिवाइस की जो है बैटरी बची हुई है, यानी कि हमारे डिवाइस ने जो भाई आज लगभग 5 घंटे का बैटरी बैकअप दिया, 5 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप नहीं दिए। पिछले वाले अपडेट के अंदर 5 घंटे 30 मिनट 6 घंटे तक भी ले रहा था, तो इस वाले के अंदर थोड़ा बैटरी बैकअप कम है। वैसे भी सर्दी है तो बैटरी बैकअप ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर होता है कि डिवाइस ओवर हीट नहीं होती, और हीट नहीं होती तो बैटरी का कंज्यूमेशन कम होता है। तो इस वजह से बैटरी बैकअप पता नहीं यार ये लोग सर्दी के अंदर भाई अभी जब भी जैसे पोकॉम 4 प्रो 4G डिवाइस का है उसके अंदर भी बैटरी बैकअप कम है और इस वाले डिवाइस के अंदर भी बैटरी बैकअप कम है। तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम है, उतना ज़्यादा भी कम नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर लगभग 3 घंटे तक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवी यूज किया, रफली यूज किया, जैसे CPU टोटल है और जो है अंतुतु बेंचमार्क है इसके अंदर डिवाइस रफली ही यूज होता है, तो इस वजह से थोड़ा बैटरी बैकअप जो हमारा डिवाइस कम दे रहा है। सो उम्मीद है फ्रेंड ये था इसका बैटरी रेंज का वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस चैनल के प्रति इसी तरीके से प्यार बनाए रखेगा। लाइक का टारगेट मैं लास्ट में बता रहा हूँ यार, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, कंप्लीट करवा देना यार। और वैसे भी कई बार जो चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प करो यार, वीडियो को शेयर वेयर करो।